जी नमस्ते, मैं निर्मल, आप सबका निर्मल बत्तख फार्म में स्वागत करते हैं। ये देख लीजिए, आप इसको जो है बत्तख को कुदरती घोंसला जो होता है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक एक प्लाई बोर्ड जो है बीच बीच में खड़ा करके और इस तरीके से जो है आप ये बना सकते हैं। ये देख लीजिए, कई बत्तख तो आपको इस घोंसला में घुसा हुआ भी मिलेगा, ये देख लीजिए। और हमने ऐसे करके बना रखे हैं और बाकी बत्तख ऐसे है, देख लीजिए। जब ये अंडा देने का टाइम होता है तो ये बत्तख जो है इस घोंसला में जो है आके अंडा देना शुरू कर देता है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये घोंसला में एक गई, ये देखिए इसको जाते हुए, ये फिर निकल गई। अगर कोई भी आदमी इस तरह का घोंसला बना के देगा तो वो उसका अंडा जो है गंदा कम होगा और अंडा जो है वो क्लियर बिल्कुल साफ मिलेगा उसको। और ये देख सकते हैं, अभी इधर उधर बैठा हुआ है सारे ये बत्तख, लेकिन जब अंडा देने का टाइम होगा तो इस घोंसला में जो है वो आ जाएगा सारे, जिसको अंडा देने का होगा। बाकी ये देख लीजिए, पानी के साथ में अगर कोई आदमी बड़ा स्तर पर अगर खोल रखा है फार्म तो वो तो कैल्शियम ला के देता है इस बत्तख को, और ताकि वह कच्चा अंडा नहीं दे। अगर आपके पास में ज़्यादा अगर नहीं है, बजट में नहीं आता है, तो आप जो है इसमें खाने वाला चूना जो है वो दे सकते हैं। ये देख लीजिए, हम जो है इसमें खाने वाला चूना, ये देख सकते हैं खाने वाला चूना जो है वो हम रखे हुए हैं आधा केजी, 40 रुपये किलो जो है वो मिल जाता है यहाँ पर, तो 40 रुपये किलो हमको मिला है, आधा किलो ले कर रखे हैं और करीब जो है 6 महीने हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी में देना होता है, पानी भी फिल्टर हो जाता है और इसको कैल्शियम भी मिल जाता है, तो एक साथ जो है दो काम हो जाता है। ये देख सकते हैं पानी पीते हुए बत्तख को, तो इस तरीके से घोंसला जो है आप बना सकते हैं इसको कुदरती रूप से। और ये देख लीजिए बत्तख को, ये सारे बैठे हुए, और नीचे में जो है हमने वो जो है इसका घास घास फूस जो होता है वही हमने दे रखे हैं ताकि ठंड से बचा रहे। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।